हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीधरी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी फ्रूट केक, जो बिल्कुल मैं घर में बना रही हूँ। इसमें ना मैंने दही डाला है, ना अंडा है, ना विनेगर है, ना लेमन जूस है। सिर्फ घर के ही चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से आप इस फ्रूट केक को बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं फ्रूट केक। टी टाइम फ्रूट केक बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 250 ग्राम मैदा, 250 ग्राम चीनी, 3/4 कप वेजिटेबल ऑयल, 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर की जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी लिया है मैंने यहाँ पे कुछ आलमंड लिए हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया है, थोड़े से मैंने पिस्ता लिया है जिसे भी मैंने चॉप कर लिया है, कुछ बूंदे मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस की डालूंगी केक में, और मैंने लिया है यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। सबसे पहले मैं दूध को गैस फ्लेम पे चढ़ाऊंगी। गैस फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। कढ़ाई में मैंने एक कलछी डाल दिया है ताकि हमारी दूध उबल के बाहर ना आए। मुझे इस दूध को बॉइल करना है और इस 1 लीटर दूध को मुझे इतना उबालना है कि जब तक कि ये 750 ग्राम दूध ना बचे तब तक मैं इसे उबालूंगी। दूध में उबाल आ चुकी है, अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए इसे उबालते रहेंगे और बीच बीच में हम करछी से इसे चलाते रहेंगे। और इसकी जो मलाई होगी उसे बिल्कुल भी नहीं निकालना है, इस दूध की मलाई मैं बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी। इसे चलाते रहें बीच बीच में। दूध को उबालते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये 3/4 रह गया है, आने की 750 ग्राम दूध मेरा बचा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी डालने के बाद मैं इसे 5-10 मिनट और अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि चीनी मेल्ट होगी तो ये चीनी का भी अपना पानी होता है, चीनी मेल्ट होगी तो ये और ढीली होगी, तो इसलिए मैं इसे 10 मिनट तक और अच्छे से उबाल लेंगे। 750 ग्राम दूध ये कैसे रहा मैंने इसे मेजर नहीं किया है, मैंने सिर्फ अंदाज से बताया है। दूध मेरा ठंडा हो चुका है, अब मैं केक का बैटर तैयार करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ एक केक टिन ले रही हूँ। केक टिन को सबसे पहले मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, इसमें ज़्यादा ऑयल पोर ना करें, इसमें चारों साइड से अच्छे से मैं ग्रीस कर लूँगी इसे। इसके बाद इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ बटर पेपर। बटर पेपर लगाने के बाद इसे भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये मेरा मोल्ड बिल्कुल तैयार है, अब मैं केक का बैटर तैयार कर लेती हूँ। मैं सारे दूध को एक बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ तेल। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ स्ट्रेनर, और मैं स्ट्रेनर में डाल रही हूँ मैदा। इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कस्टर्ड पाउडर। सारे मैदा को मैंने यहाँ सेव कर लिया है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी।
अगर आपको ये बैटर ज़्यादा पतला लगता हो तो आप इसमें जो है मैदा और ऊपर से डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैदा डाल दें और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और मिक्स कर दें। लेकिन इतने से ही में इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आई है। अभी तो मैं इसे अच्छे से मिक्स भी नहीं की हूँ। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी वेनिला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आप वेनिला एसेंस नहीं भी डालेंगे तो भी ये केक बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इसे केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। केक बैटर को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसे 2 से 3 बार टैप करूँगी ताकि इसके जितने एयर बबल हैं वो निकल जाएं। केक को मैं यहाँ कढ़ाई में बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है कढ़ाई को, पहले ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये कढ़ाई मेरी प्री हीट हो चुकी है। अब मैं इसमें केक टिन को इसमें डाल दूंगी, उसके बाद इसे मैं फिर से अच्छे से कवर कर दूंगी। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप कढ़ाई में केक बनाते हैं तो थाली हो या किसी चीज़ से भी आप इतने अच्छे से ढकें कि इसमें से एयर बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए। अब मैं गैस फ्लेम को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखूँगी ताकि जो मैंने इसे खोला और इसकी हीट जो है वो बाहर निकल गई है और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। उसके बाद मैं इसे 40 मिनट तक के लिए, 35 से 40 मिनट लगेंगे मुझे इसे बेक करने में, तो 35 से 40 मिनट के लिए मैं गैस फ्लेम को लो पे रखूँगी। केक को बेक किए हुए अभी 20 मिनट ही हुए हैं। एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ये भी बहुत गीला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ बादाम। अगर मैं पहले कर देती तो ये काफ़ी अंदर चला जाता, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। अब मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता। अब मैं इसे फिर से अच्छे से ढक दूंगी 20 मिनट बाद, फिर मैं इसे एक बार खोल के चेक करूंगी। 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे एक बार खोल के देख लेती हूँ ये मेरी केक कैसी बनी है। ये बिल्कुल परफेक्टली बन गई है। मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल टूथपिक साफ निकली है। मैं किनारे से भी चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल ये पक चुकी है, अच्छे से बेक हो चुकी है। अब मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। पहले मैं इसे अच्छे से ठंडा करूँगी, उसके बाद ही मैं इसे डिमोल्ड करूँगी। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके किनारे एज को छुड़ा लूँगी। केक को आप जब भी डिमोल्ड करें पहले उसके एज को अच्छे से छुड़ा लें, पहले उसे अच्छे से ठंडा कर लें। कभी भी गर्म में केक को डिमोल्ड ना करें, नहीं तो केक बहुत सॉफ्ट होती है, वो टूट सकती है। मैं इसे पलटती हूँ। अब मैं इसके किनारे थोड़ा सा टैप करूँगी। ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट और इजी तरीके से निकल आया है। अब मैं बटर पेपर को हटा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये केक कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है। आप इस केक को दोनों साइड से सर्व कर सकते हैं। ये बोथ साइड केक मेरा बनके बिल्कुल रेडी है। आप ये केक मेरा बिल्कुल बनके रेडी है। आपने एक बार ये केक बना लिया तो आप हमेशा ही इसी तरह का केक बनाएंगे।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। अब मैं इसे काट के दिखा रही हूँ। ये केक बिना विनेगर का बना है, बिना अंडे का बना है, बिना ओवन का बना है। ये सिर्फ हमने कढ़ाई में बनाया है फ्रूट केक, और इसका टेस्ट भी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी परफेक्ट जाली बन के आई है। बिना दही का है, बिना विनेगर का है, इसमें ना लेमन जूस है, कुछ भी नहीं है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप इस तरीके से एक बार केक बना के खाएंगे तो आप हमेशा इसी तरीके से केक बना के खाएंगे। और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है, बिल्कुल स्पॉन्जी और सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल बनके फ्रूट केक तैयार है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।